आज इस वीडियो में आप सभी के सामने बहुत दर्दनाक एक विषय लेके आया हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाओगे। असम जो जगह है अपना लोगों को अपना नहीं समझते हैं। ऐसी एक शांतिपूर्ण जगह है जो असम गर्व से कहता था हम लोग असामिस हूँ, लेकिन आज असामिस कहने पर शर्म महसूस हो रहा है। और ये सच में इतना दुख इतना दर्द बताने का कुछ अल्फाज नहीं है मेरे मुंह पर। वहीं पे एक बंदा था, कुछ हादसा हुआ था वहाँ, छोटा मोटा कुछ हादसा हुआ था उस बंदा का साथ। उस बंदा ने बोला उस बंदा को सहाय करने के लिए ये आप सबने सुना होगा आंसू, ये तो 17 यूनियन से है इन लोग, तो ये सब लोग समाज सेवक लोग हैं। ये तीनों गया उनको हेल्प करने के लिए, आखिर हेल्प करने के बजाय उन लोग को ऊपर उल्टा क्या हुआ। उस बंदा ने बोल दिया ये तीनों इसके जिम्मेदार है। जब ये जो आदमी थे उसने जैसे ही बोला तो पब्लिक आ गया और पब्लिक आके इनका ऊपर अत्याचार करने लगा तीनों का ऊपर। तो आखिर में एक बंदा रो रहा है मैं असामीस हूँ, मैं घोलाघाट का हूँ, मैं देड़गांव का हूँ, अपनी जगह का नाम बोल रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं कुछ गलती नहीं किया। हर कुछ बोलने के बाद भी तीनों को मारा पीटा और ओमिनेस भुआ नाम का एक लड़का को जान से मार डाला। इसको ऐसा मारा ऐसे मारा इसका मुंह से खून निकलने लगा, बहुत सारा पिटाई हुआ और बहुत लोग इसका तमाशा देख रहा है। जोरहाट में ये हादसा हुआ, जोरहाट का मेन सिटी का बीच, और जो सब हादसा करने वाले थे यहाँ मैं फोटो दो चार दे रहा हूँ, ये सब ने ये सब किया है। यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं था। और एक वीडियो में देखा था, न्यूज़ का वीडियो से देखा हूँ, वहाँ पुलिस वाले भी थे, 4 पुलिस वाले भी थे, और पुलिस वाले ने भी ऐसा शायद ये तीनों के लिए बा ये जो मरा हुआ लड़का इस लड़का के लिए इतना कोशिश किया नहीं। और बाकी जो लोग उन लोग तमाशा देखा जा रहा है रूप में, ये अपने हाथों पे कानून उठाया ले रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या जरूरत है रथ है, अगर कोई गलती है गलती के वजह उसको मारना पीटना फटक से अपने आप एक्शन लेना, तो पुलिस प्रशासन अदालत का क्या जरूरत है, सब पब्लिक का हाथ में दीजिए ना। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ इसका जिम्मेदार हमारा प्रशासन ही होगा, हमारा सरकार होगा। क्यों ऐसा एक हादसा नहीं है, इससे पहले भी कार्बी आंगलंग पे हमारा गुवाहाटी का 2 लड़का अभिनील, इन लोग को 2 लड़काओं को भी ऐसे जिंदा दीन दोपहर में मार डाला पीटते पीटते। उन लोग भी बोल रहे हम लोग असमिया है, अमी ओहोमिया अमी ओहोमिया अमी ओहोमिया, लेकिन उन लोग को भी मार डाला क्योंकि उन लोग नए जगह पे गया। क्या समझा उन लोग ने नए जगह पे गया और किसी बच्चों को चॉकलेट वगैरह दिया रास्ते पे, और उन लोग का हाथ में अच्छा अच्छा महंगा महंगा गाड़ी था, एक ही गाड़ी था दोनों जा रहा था। जो भी हो ये सब सरकार को पता है। अब वो जो पहले वाला अभिनील दोनों का जो मारा पीटा यानी जिंदा जिंदा मारा वो दोनों का तो जिन लोग जिम्मेदार थे उन लोग को पकड़ा गया, आखिर में उसका क्या हुआ उनका सरकार को भी पता है सभी को पता है। अभी तक उसका तो कोई तक कुछ इलाज नहीं हुआ। अगर ऐसे मर्डर करने वालों को जिंदा फांसी नहीं दिया जाएगा तब तक ऐसे हादसा होते रहेगा। अफसोस की बात है जो हम लोग परदेश में हूँ, मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूँ, सऊदी अरब में हम लोग इतना सेफ्टी में हूँ, इतना सेफ्टी 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जो हम लोग को यहाँ कोई हाथ उठाता नहीं है। ये सब आप लोग रिचार्ज करके देखिए, गल्फ कंट्री में, और सिर्फ सऊदी नहीं है, कोई भी गल्फ कंट्री पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो किसी को उंगली उठा करके बोले तू कहाँ से आया, तू इंडिया का है पाकिस्तान का है बांग्लादेश का है नेपाल का है इंडोनेशिया का है फिलीपींस का है श्रीलंका से है अफगानिस्तान से है, हर कोई देशों से यहाँ काम करने के लिए लोग आया है, लेकिन कोई एक देश का लड़कों कोई एक देश का बंदों को भी ये टारगेट उठा करके कोई आम आदमी ने पूछेगा भी नहीं, बोले तू कहाँ से आया तेरा नाम क्या है यहाँ, हाँ यहाँ पूछता है, यहाँ सबसे पहले आपको सलाम देगा,
एकदम उम्र वाला बुड्ढा आदमी है, वो भी आपको सलाम देगा यहाँ शुरुआत में, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर उतना ना बोले तो अस्सलामुअलैकुम, कैफ हाल है, तैयब, की खबर, क्या हाल है आपका, ये सब पूछेगा अखबार, अच्छा अच्छा बात पूछेगा आपको, कोई बुरा सलूक नहीं किया। आपने जितना बड़ा भी गलती क्यों ना किया हो, सऊदी अरब दुबई कतर में जितना बड़ा भी, अपने एक्सीडेंट करके किसी को मार डालो, किसी को जान से मार डालो, दूसरा कोई आके आपको उंगली नहीं उठाएगा, क्यों इसको मारा है, कोई किसी का वक्त नहीं है उंगली उठाने का या बोलने का, क्योंकि यहाँ का कानून है, इसके लिए कानून रखा गया है, पुलिस रखा गया है, अदालत है, वो हिसाब करेगा, ये आम आदमी क्यों पूछेगा। लेकिन हमारा उधर आम आदमी आ जाते हैं, मेरे जबान से अच्छा बात नहीं आता है, मेरा जबान से कसम से बुरा जबान आने लगता है। तो इन लोग के जिम्मेदार हमारा सरकार प्रशासन ही है। अगर इन लोग को कत्ल किया जाए, एक दो को ऐसे फांसी अपने आप हाथ में कानून उठाया उठाने वालों को, तो 100% वो सब रुक जाए, 100% ना रुके तो 95% रुकेगा। आप सभी को पता है जय श्री राम का नाम, जय श्री राम का नाम पे भी आदमियों को मारा गया है, गाय का गोश्त को लेके भी मारा गया है, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ उंगली उठाओगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, एक थप्पड़ मारोगे तो जुर्माना देना पड़ेगा, आपको कौन अधिकार दिया है। इसके बीच वीडियो बहुत सारा लंबा हो रहा है, मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी एक्सीडेंट, मेरा पीछे आके ठुकरा, इतना बेहतरीन से ठुकरा पीछे आके गाड़ी मेरे पीछे, अगर हमारा इंडिया में होता तो मैं उतर के जाके तो थप्पड़ लगा देता, बोले तू क्यों आके ठुक दिया मेरे साइड में आके, वो मोबाइल देख के आ रहा था, आज का नहीं साल पहले का घटना है, क्यों नहीं मारा, या मेरा साथ में मेरा बॉस का लड़का था वो भी नहीं मारा क्यों, हम लोग जाके उल्टी सलाम दे रहा हूँ, कानून का लोग आएगा फोन करेगा, उन लोग डिसाइड करेगा किसका गलती है किसका नहीं, लेकिन हमारा वहाँ पहले तो मारपीट हो जाता है, ये सब क्यों, ये सब इसीलिए ताकि हमारा सरकार, हमारा कानून जो है वो कड़वा नहीं है, हफ्ते के बीच में इसका, अगर हफ्ते में कोई मर्डर करने वाले को, कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाए तो 100% इसमें रुक जाएगा। बहुत अफसोस लगता है दोस्तों, वीडियो ये शेयर करने का मकसद है, ऐसे और ना हो, सरकार से विनती है इसका ऊपर कड़वा से कड़वा सजा दिया जाए, इन लोग को बख्शा ना जाए, वरना ऐसे हर तरफ होते रहेगा, आखिर में और जो बंदा इस दुनिया से गया है उसको जहाँ भी रहे खुश रहे, बेचारे को जिंदा जिंदा मत मारो बोलते बोलते मार रहा है, लात मार रहा था, पीट रहा है, कोई घुसी मार रहा है, कोई ये कर रहा है, करते करते देखो हजारों बेचारे नारभास हो गया। ये वीडियो मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, यूट्यूब का कोई खिलाफ से कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये पूरा वीडियो यहाँ शेयर नहीं किया दोस्तों। उतना ही, जय हिंद, जय भारत।